बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने महज 50 रुपए के लिए एक दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैथमा गांव की है। फिर दुकानदार की पहचान कैथमा निवासी भोला शाह के रूप में की गई। दुकानदार भोला शाह ने आरोप लगाया कि कैथमा निवासी बेगम्बा नामक अपराधी का दुकान में पहुंचा और सिगरेट तथा गुटखा लिया, और जब भोला शाह के द्वारा पैसे की मांग की गई तो उसने पैसा देने से मना कर दिया। लेकिन भोला शाह ने जब उधार देने से मना कर दिया तो इसी से आक्रोशित होकर बेगम्बा ने भोला शाह को गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल परिजनों के द्वारा भोला शाह को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। हम दुकान पर अपना घर पर हैं, मेरा दादाजी है, हमसे हट कर आते हैं किलोमीटर, अपना दुकान चलाते हैं। वो आया सामान लेने के लिए, तो बोला सामान ले लिया। कितने लोग थे? 3 लोग 4 लोग 5 लोग ये होगा। आया सामान ले लिया, उसके बाद गुटखा सिगरेट जो हुआ सब ले लिया। उसके बाद ये पैसा मांगे दादाजी, बोला पैसा नहीं दे, गोली खाए। अच्छा। तो बस उसके बाद थोड़ा वक्त सुथन हुआ, खड़ा हुए, बस डायरेक्ट गोली मार दिया, बस तब तक भाग गया। क्या नाम हुआ इनका? इनका भोला सा। कहाँ घर हुआ? केतमा कर्पूरी नगर वार्ड 19। तो अपराधी क्या चीज से? ऐसे बुल्ले थे। बुल्ले थे? हाँ, पिस्टल लेने आए थे, आया गुटखा मंगा नहीं दिए, उसको ले लिए। उसके बाद बोला उधार लेंगे, तो ये बोले नहीं देंगे, तब कल के गोली खाक छो। जब वक्त उत्थन कर लिए गोली खाक छे तेजे खाक छे, तो बोले भाग ले। ओकर बाद दलखिन खड़ा होलखिन, बस गोलिये चलाए देलखिन, गोली चलने के बाद भाग गए। के बजे घटना है? अभी तुरंत 6 बजे से। 6 बजे। क्या नाम हुआ आपका? मंचल। कौन है आप? उनका पोता। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।